मुजफ्फरपुर में भीड़ तंत्र का शिकार बनी महिला, लोगों ने बच्चा चोरी के शक में बुरी तरह पीटा, अस्पताल भर्ती कराने की आई नौबत। बोकारो में दिल दहला देने वाली हादसे की तस्वीर, स्कॉर्पियो और एक बस की सीधी टक्कर में दो लोगों की मौत। हादसे में स्कॉर्पियो के उड़े पर खच्चे, हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के खरगोन में भीषण हादसा, आमने सामने भिड़े दो ट्रक, एक ट्रक के ड्राइवर की हादसे में मौत, एक ड्राइवर घायल। छिंदवाड़ा में दो कारोबारियों के बीच मामूली विवाद में बाजार बना अखाड़ा, दोनों कारोबारियों समेत परिजनों ने मारपीट की, महिलाएं भी दंगल में शामिल थी। विशाखापट्टनम में श्रीकन्या सिनेमा घर में लगी भीषण आग, ऊंची उठी लपटों ने नजदीक रह रहे लोगों को दहलाया। सिनेमा घर में लगी आग पर 5 गाड़ियों ने काबू पाने की कोशिश की, अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं। 24 घंटे बाद भी कोलकाता के बगरी बाजार में लगी आग पर नहीं पाया जा सका पूरी तरह काबू, अभी तक उठ रही हैं लपटें। कोलकाता के बगरी बाजार में लगी आग के बीच धुआं बना, लोगों की मुसीबत, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। लखनऊ में बिना हेलमेट बाइक सवार 3 होमगार्ड का वीडियो वायरल, डीजीपी के दखल पर एसपी ने केस दर्ज करने का दिया आदेश। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान, समय अनुकूल होने पर ही होगी पाकिस्तान से वार्ता, कहा इमरान खान को पाकिस्तानी सेना ही सत्ता में लाई, देखना होगा सरकार सेना के दबाव में कितना रहती है। वीके सिंह के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर बॉर्डर खोलने का नहीं मिला कोई प्रस्ताव, कैप्टन सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम इमरान की मंशा का दिया था हवाला। सुबह सुबह बाजार ने उड़ाया कारोबारियों का होश, सेंसेक्स में दिखी 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट, सेंसेक्स फिलहाल 37,622 अंकों पर। बाजार खुलने पर निफ्टी में भी दिखी 137 अंकों की गिरावट। आज भोपाल दौरे पर राहुल गांधी, कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत, भोपाल में होगा राहुल गांधी का रोड शो, कार्यक्रम से पहले 11 पंडितों से लेंगे आशीर्वाद। राहुल के दौरे से पहले भोपाल में नेताओं के कटआउट पर गरमाई सियासत, सारे दिग्गज कांग्रेसियों के बीच दिग्विजय सिंह का कटआउट नदारद। यात्रा से पहले राहुल गांधी के पोस्टर पर सियासी बवाल, पोस्टर में राहुल को बताया शिव भक्त। भोपाल में राहुल गांधी से फिर मिलना चाहता है कौशल, पिछली मुलाकात में राहुल ने अखबार बेचने वाले कौशल को दिए थे पैसे, पढ़ाई के खर्च का किया था वादा, लेकिन अब फीस के पैसे नहीं मिलने से छोड़ चुका है पढ़ाई। राजस्थान के दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, आज उदयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन। 68 साल के हुए पीएम नरेंद्र मोदी, जन्मदिन आज, जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा, देंगे 500 करोड़ का तोहफा। पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी की तैयारी, कूड़ा बीनने वाले बच्चों से करेंगे मुलाकात। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर कन्याओं ने किया वेद पाठ, सनातन परंपरा से मनाया पीएम का जन्मदिन। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर के सामुदायिक भवन में हेल्थ चेकअप कैंप लगाकर मनाया जा रहा है पीएम मोदी का जन्मदिन, सफाई कर्मियों ने बकाए की मांग को लेकर लगाया जाम, पुलिस से हुई झड़प। जम्मू के दौरे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग का उद्घाटन। यूपी में भतीजे अखिलेश से सियासी टक्कर को तैयार, चाचा शिवपाल यादव, जारी किया अपनी नई पार्टी समाजवादी सेक्युलर मोर्चा का झंडा। शिवपाल यादव की पार्टी के झंडे में एक तरफ शिवपाल तो दूसरी तरफ मुलायम की तस्वीर, झंडे में लाल हरे पीले रंग को दी गई तरजीह, शिवपाल ने अपनी गाड़ी पर लगाया समाजवादी सेक्युलर मोर्चा का झंडा। कल शिवपाल ने अपनी पार्टी से मुलायम सिंह यादव को टिकट का किया था ऐलान, मुलायम सिंह और अखिलेश ने अभी तक नहीं दी है कोई प्रतिक्रिया। अमर सिंह गठबंधन पर मायावती के बयान की तारीफ की, कुरेदा गेस्ट हाउस कांड का दर्द। अमर सिंह ने कहा एसपी बीएसपी का गठबंधन बेहद मुश्किल, मायावती से हुई थी जयललिता जैसी बर्बरता, मुलायम और मायावती के बीच अभी तक कोर्ट में चल रहा है केस। झारखंड के गोड्डा में बीजेपी कार्यकर्ता ने सांसद निशिकांत दुबे का धोया पैर, सबके सामने पिया वही पानी। बीजेपी कार्यकर्ता ने मंच पर किया ऐलान, सांसद के मुताबिक पुल के शिलान्यास पर पैर धोकर पीने का किया था वादा। हरियाणा के रेवाड़ी गैंगरेप कांड में 3 में से 1 आरोपी निशु गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी, 2 आरोपी अभी भी फरार।
गैंगरेप कांड का मुख्य आरोपी सेना में तैनात, पीड़ित के मुताबिक 12 से 14 लोगों की दरिंदगी। रोहतक में 6 साल की बच्ची का शव मिला नाले में, परिवार को बच्ची के साथ दरिंदगी की आशंका। भीमा कोरेगांव केस में आज अहम सुनवाई का दिन, नजरबंद 5 लोगों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। फतेहपुर में छात्रावास की इमारत में घुसा बेकाबू ट्रक, गनीमत रही हादसे में छात्रावास में रह रहे सभी 35 बच्चे सुरक्षित। तमिलनाडु के कुड्डालोर में शादी समारोह में दोस्तों ने दूल्हा दुल्हन को दिया 4 लीटर पेट्रोल का उपहार, ऑटो रिक्शा चालक दूल्हे के चेहरे पर दिखी खुशी। बलिया में गिरफ्त में आए बच्चा चोर गैंग की सरगना समेत पुलिस ने एक महिला को भी अगवा बच्चे के साथ किया गिरफ्तार, एक महीने में 12 से ज्यादा बच्चों के गायब होने के मामले सामने आए थे। रुद्रप्रयाग में नहर का तटबंध टूटने से आई तबाही, शहर में दुकानों में घरों में घुसा मलबा, बद्रीनाथ हाईवे पर भी मलबा। नोएडा में जमीन कब्जे के मामले में चौकी पहुंचे वकील की पिटाई, वीडियो वायरल। आरोपी पुलिस वाले को किया गया सस्पेंड, 12 बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर 2015 से केस। लखनऊ में 24 घंटे में 2 हत्याओं से हड़कंप, पहली घटना में बाइक कारोबारी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, दूसरी वारदात में बुजुर्ग की हत्या, सड़क पर शव फेंक कर फरार हो गए बदमाश। मथुरा में 2 गुटों के बीच गोलीबारी, 3 घायल। लखनऊ में साइबर सेल के पास आया व्हाट्सएप हैक करने का मामला, वैलिडिटी खत्म होने का हवाला देकर लिया ओटीपी। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने के बाद मां की बिगड़ी सेहत, दूसरे अस्पताल में जाने से पहले मौत। नालंदा में छेड़खानी का केस दर्ज नहीं करने पर हंगामा, थाने का घेराव। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई, महिला बीजेपी कार्यकर्ता ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। राजस्थान के अजमेर में 70 छात्र बीमार, हॉस्टल के खाने से बिगड़ी तबीयत। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।